पड़ेगी। बाबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा आपको कयादत दी, आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं, फाइनल भी खेल चुके हैं, और आपने पॉडकास्ट में बोला कि आप ट्रॉफी जो है आप उठाना चाहते हैं, सो आपका पर्सनल एम क्या है इस वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि आपकी जर्नी हम सब जानते हैं। देखें वो देखें, एज अ टीम, एज अ टीम कप्तान मेरा गोल ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, और पर्सनल गोल इस पर जब है वो सेकेंडरी रह जाते हैं, और इसमें ये नहीं है कि पर्सनल गोल मेरा क्या है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जो टीम जो है वो क्या रिक्वायर्ड कर रही है, टीम से मुझसे टीम को मुझसे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे मेरी टाइम मेरी बैटिंग में क्या रिक्वायर्ड है, मेरी फील्डिंग में बॉलर्स फील्डिंग टीम क्या रिक्वायर्ड कर रही है, मैं उस पर फोकस करता हूँ, मैं अपने पर्सनल गोल पर इतना फोकस नहीं करता अब, क्योंकि वो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, क्योंकि जब आप सब पाकिस्तान को सामने रखते हुए जो है वो सारी चीज़ें करते हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने उधर भी बोला था अब भी ये बोलूँगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म है और वर्ल्ड कप जीते। इमाद की अपडेट दे दीजिए, इमाद वसीम का क्या स्टेटस है? इमाद वसीम का साइड से स्टेन हुआ है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारी डिस्कशन हुई है मेडिकल पैनल से, तो वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच के लिए नहीं, लेकिन रेस्ट ऑफ द मैचेस इंशाल्लाह वो अवेलेबल होंगे। पहले मैच के लिए मिस कर रहे हैं जी। स्कोरिंग टोटल हो रही है, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का भी लो स्कोरिंग टोटल हुआ, आज जो गेम इस ग्राउंड पे हुआ बड़ा क्लोज बैटल हुई, और नीदरलैंड उनकी भी हुई लो, लेकिन आप ये आपने सोचा कि आपके जो हरीफ होंगे इस वक्त नववारी टीम है, लेकिन उन्होंने अभी जो स्कोर चेज किया है ये एसोसिएट टीम का बेस्ट एवर रिकॉर्ड चेज है, इट्स अ रिकॉर्ड टू चेज फॉर द एसोसिएट टीम, तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर? अगर स्टैंड पे बात करें तो मुझे अपनी बॉलिंग पे बड़ा ट्रस्ट है, जितने भी हमारी बॉलिंग लाइन है पाँच के पाँच जो हमारे स्पिनर्स भी हैं, तो वो इंशाल्लाह उस पर बिलीव है मुझे, और इंशाल्लाह देखें क्रेडिट उनको भी देना चाहिए कि जिस तरह वो खेले हैं वन साइडेड, वो जो उनका बैट्समैन है हैरन जोन्स वो ले गया मैच, वो और उसको वो जो उसकी इनिंग्स थी वो वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से यहाँ की इनिंग्स थी, जितने मैंने उसको देखा उसने डोमिनेट किया, तो वो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और मेरे ख्याल से मैंने जिस तरह पहले भी कही उनको पता है, इन अपनी कंडीशंस का पता है, यहाँ पे खेलते रहते हैं वो, तो उनको ज़्यादा इन चीज़ों का पता होगा। देखें जहाँ तक रही प्रिपरेशन की बात, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रही, हमारे मैचेस भी इंग्लैंड में अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट वैसे नहीं आए, लेकिन हमारे जो माइंड में ये था कि हमने वर्ल्ड कप कैसे खेलना, और उसी को लेके हम इस यहाँ पे यूएस आए, और देखें कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, वेदर आपके कंट्रोल में नहीं है, और उसमें हमें जितनी भी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी हमने उसको यूटिलाइज़ किया, हमने इंडोर यूज़ किया, दो सेशन में हमने ट्रेनिंग की, बैट्समैन इंडोर में जाते रहे, बॉलर्स यहाँ पर भी आए, फिर हमने आज टीम ड्रिल भी किया, बैटर्स ने जो है वो बैटिंग वहाँ की है, बॉलर्स ने बॉलिंग की है, तो जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में हो रही है तो हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और मैसेज हमेशा जो है वो फैंस से हमेशा पॉजिटिव ही आता है, और पॉजिटिवली ही देंगे कि इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और पाकिस्तान से निकलने से पहले बहुत सी दुआएं और बहुत सी विशेस लोगों ने दी, और इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिले। अगर माइंड सेट में कुछ तब्दीली आई थी ओपनिंग पर, काफ़ी अर्से टाइम को रखा, उसके बाद फिर वापस आप और रिजवान आए, तो क्या वर्ल्ड कप में आप और रिजवान ही उतरेंगे, या इसको भी रोटेट करने का इरादा है, या इसको चेंज तब्दीलियों का इरादा है, इसको भी होगा? हाँ देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से निकलने से पहले जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने ये बोला था कि फ्लेक्सिबल होगा, ये नहीं है कि कोई नंबर सेट है, किसी भी टाइम कोई भी प्लेयर जाके सिचुएशन के हिसाब से आप जाके खेल सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली सैम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया, हमें पता है कि वो कैसे अच्छा प्लेयर है, अग्रेसिव प्लेयर है, गेम चेंजर प्लेयर है, लेकिन उसको वैसी नॉक नहीं मिल रही जो उसको एक होता है ना गो थ्रू इनिंग्स, वो थोड़ा सा मिस कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि कोई सर्टन नंबर्स जो हैं वो डिसाइड है, जो बेस्ट टीम के लिए बेस्ट होता है वो हम उस पर प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और हम उसको लेके चलते हैं। और बतौर कप्तान कितने वरी हैं शादाब क्रिकेट नहीं कर पा रहे? देखें आपका जब बेस्ट बॉलर या आपका ऑलराउंडर वैसा डिलीवर नहीं कर पा रहा, आपको पता है कि वो किस टाइप का प्लेयर है, ऐसे ही होता है जब आप एज अ कप्तान आपका बेस्ट प्लेयर जो होता है वो आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पता है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट उसने परफॉर्मेंसेज दी हैं कि हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से
देखें एज अ कप्तान मुझे हर प्लेयर पर बिलीव है और मुझे शदाब पे उससे ज़्यादा बिलीव है क्योंकि वो हमारी वो जो दोनों चीज़ें हैं इवन के तीनों चीज़ें को वो जो है फिल करता है बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कंडीशंस को सूट करेंगी। देखें इसका भी यही है कि वन एज अ प्लेयर एज अ प्रोफेशनल आपको एक इनिंग्स एक अच्छी मैच की ज़रूरत होती है कि वो आपको एकदम क्लिक कर जाते हैं तो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है वो क्रिकेटर्स के साथ चलती रहती हैं, अप एंड डाउन चलती रहती हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप है हम उसको ये है कि जितना सपोर्ट करेंगे और जितना हम उसको बैक करेंगे उतना उसके लिए कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि जितना वो कॉन्फिडेंस में आएगा उतना जो है वो प्लेयर भी कॉन्फिडेंस में आएगा और उसको जो जब मैच खेल रहा हो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं अगर ऑन द डे किसका दिन नहीं होता तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको कवर अप करें। ये टीम गेम है और हम कोशिश करते हैं कि हर प्लेयर को कवर किया जाए जिसका बैड डे चल रहा है। बाबर अमेरिका के खिलाफ पहला मैच है, बड़ा अच्छा खेले हैं वो, कनाडा के खिलाफ उन्होंने चेज़ किया, कितना आप समझते हैं कि इन कंडीशंस में वो हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी कर सकते? देखें उनकी होम ग्राउंड है, उनको कंडीशंस का पता, वो जितने भी क्रिकेट खेलते हैं यहाँ खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जो हमारी स्ट्रेंथ है हमारी जो बॉलिंग है बैटिंग है हम उस पर रिलाई करते हैं, उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कंडीशन जो है वो आपको पता है कि वो फास्ट बॉलर को थोड़ा सूट कर रही है, जितने भी हमने मैच देखे हैं वो थोड़ा सा फास्ट बॉलर को सूट कर रही है, तो हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर हैं ऑलवेज, और इंशाल्लाह जो हमारी जो स्ट्रेंथ है हम कोशिश करेंगे कि जो पास में गलती हुई है उसको हम रिपीट ना करें, क्योंकि अब वर्ल्ड कप कल परसों से स्टार्ट है तो हमें एज ए जितने भी सीनियर प्लेयर हैं हमें उस पर स्टेप अप करना पड़ेगा और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।